नमस्कार सभी को, मेरा नाम पवन कापड़ी है और आज मैं आपको अपनी फाउंडेशन कोर्स से फाउंडेशन विंग से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये जो फाउंडेशन कोर्स है हमारा क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 8th तक के बच्चों के लिए है। क्लास नर्सरी में हम लोग इनरोल करते हैं और सारी क्लासेस हमारी सेपरेट चलती हैं। क्लास नर्सरी 1, 2, 3 ऐसे ही सारी क्लासेस सेपरेट, अलग अलग बैच है इनके। मैंने 4-5 साल पहले इस फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत करी थी और एक टीम हमने हमने बनाई थी और मुझे आज बहुत ही गर्व से मैं कह सकता हूँ, बहुत ही खुशी है कि मेरी टीम में मुझसे भी काबिल लोग हैं और मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो काफ़ी स्टडी करी, कोटा पैटर्न की स्टडी करी, कैसे कोटा में बच्चे इतने ज़्यादा जाते हैं, उनका क्या टैक्टिक्स है और कैसे वो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे उन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इतने बड़े बड़े सवाल और इतने हाई लेवल के कंसेप्ट डाल देते हैं। मैंने इसके बाद फिर डेली जो पैटर्न है हमारा, इसकी भी स्टडी करी और एक कंबाइंड पैकेज मैंने बनाया अपने इस पिथौरागढ़ के लिए और अपने इस फाउंडेशन के लिए। आजकल कुछ इंस्टीट्यूट हमारी देखा देखी ये फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट करने लग गए हैं, पर वो एक टीचर तक ही सीमित है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम क्यों खास हैं और जो 4 साल का 5 साल का जो अनुभव है और जो हमारे टीचर्स की कड़ी मेहनत है उसका क्या नतीजा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे क्लासे हमारी सेपरेट चलती हैं। मैथ्स उनको अलग टीचर पढ़ाते हैं, साइंस अलग पढ़ाते हैं, इंग्लिश अलग टीचर पढ़ाते हैं, ऐसे ही ईवीएस जो छोटे बच्चों का आता है वो अलग होता है। कर्सिव राइटिंग हम लोग सिखाते हैं, बच्चों के अंदर से हेजिटेशन निकालना, उनको स्पीच दिलाना, ये हम लोग अलग करते हैं। योगा भी बहुत हमने चलाया और इसके अलावा जो हमें खास बनाता है, भीड़ से अलग करता है, वो है हमारा एक सिस्टम जो स्टडी मटेरियल का सिस्टम है। यही सिस्टम जो है ये बच्चे को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा छोटा बच्चा है, जो नर्सरी वाला बच्चा है, जो वन वाला बच्चा है, देखिए ये कर्सिव राइटिंग सीखेगा, इसे डॉट की हेल्प से वो कर्सिव राइटिंग सीखेगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर कोई बी बनाना है, ये कुछ हमारे पास डीपीपी जिसे हम कहते हैं वो है, ये बी बनाना है। ऐसे ही नंबर काउंट बच्चा सीखता है इसकी हेल्प से, ये नंबर काउंट है, बहुत ही अच्छा है बॉडी पार्ट का ये बना रखा है। देखिए ये हमारे टीचर की मेहनत है, ये हमारे टीचर ने बनाया है, काफ़ी मेहनत इसमें लगती है, एक एक डीपीपी को तैयार करना, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, है ना। देखिए ये चीज़ है और ये सारी चीज़ें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। देखिए अबाउट माई सेल्फ एक चैप्टर है बच्चों का, तो वहाँ पर को बच्चा अपना नाम सारी चीज़ें लिखता है, ठीक है। ऐसे ही जो ईवीएस का है, देखिए ईवीएस क्लास में कितनी अच्छी ड्राइंग के हेल्प से मैडम ने समझाने की कोशिश कर रखी है, सेंस ऑर्गन वाले हैं, ऐसे ही सीजन्स के बारे में बच्चों को बताया है, है ना। तो ये चीज़ें हैं, क्या हम क्लोथ हम कौन से कपड़े पहनते हैं, किस सीजन में पहनते हैं, ये सारे जो हम फूड कौन सा हम ईट करते हैं, कौन से वेजिटेबल हैं, है ना। तो ये सारे जो डीपीबीज हैं इनकी हेल्प से हम लोग सिखाते हैं और ये डीपीबीज आपके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, ये सारे बच्चों को दी जाती हैं। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा डीपीपी हैं, ये प्लांट्स के बारे में है, ये चीज़ें हैं और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते रहता है उसके अकॉर्डिंग, देखिए ये जो है ये क्लास 2nd 3rd वाले बच्चे का है। ऐसे ही जैसे बच्चे का लेवल बढ़ता है उसको जो डीपीपी है, जो पूरा सिस्टम है, वो अलग अलग होता जाता है। देखिए मैं आपको आज दिखाना चाह रहा हूँ यही चीज़ जो है, ये हमको दूसरे टीचर से, दूसरे इंस्टीट्यूट से, दूसरी टीम से हमें अलग बनाती है। और ये देखिए ये सारा कुछ जो है हमारे पास ये बच्चों का है, है ना, और ये प्रिंटेड फॉर्म में उनको मिलता है। ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर, बहुत बार बच्चों को परेशानी आती है इंग्लिश ग्रामर में, तो देखिए बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया है नाउन पहचानने का और देखिए कितना बढ़िया एक छोटे बच्चे को ये समझ में आया और आता भी है समझ में। हमारे सारे बच्चे जानते हैं, सीखते हैं और यही जो मेहनत है यही हम लोग करते हैं, इसी कारण बच्चा समझता है। देखिए ये आर्टिकल्स हैं, देखिए कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा, कहाँ पर द आएगा, है ना, ये देखिए। और इसके लिए प्रीपोजिशंस, कहाँ पर अंडर आता है, ओवर आता है, इन आता है, ऑन आता है, है ना। ये देखिए माउस की हेल्प से हमने कितना अच्छी तरह समझाया है और ये प्रीपोजिशंस 10th वाले बच्चों को भी दिक्कत होती है समझने में, बट हमारे बच्चे आराम से समझ पाते हैं इनकी हेल्प से, है ना। ये वॉवल हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स का मैं आपको डीपीपी दिखाना चाहूँगा, ये मैथमेटिक्स के लिए डीपीपी हैं, ये जो मैथमेटिक्स के लिए डीपीपी हैं। इनके अलावा अगर मेरे से कोई पेरेंट्स कहता है कि ये तो ठीक है
हम कहां से और शुरुआत करें? तो देखिए, हमारे पास एनसीईआरटी के अलावा ये किताब भी है, फर्स्ट की ये किताब है, फर्स्ट की, देखिए इन इन किताबों से भी बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सेकंड की ऐसी ये किताब है, देखिए हमने सारे लगा रखे हैं, सेकंड की, थर्ड की, ये फोर्थ की बुक्स हैं, ऐसी ये फिफ्थ की बुक हैं, है ना। और जितना भी ग्रामर का कंटेंट होता है, ये किताब है जिससे हम ग्रामर का कंटेंट अपना बनाते हैं सारा कुछ। ये देखिए, ये प्राइमरी स्कूल के लिए, है ना। और अब बात हम करते हैं जो हमारे बच्चे सिक्स सेवेंथ एट्थ में है, तो सिक्स सेवेंथ एट्थ वालों की बच्चों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, सिक्स के दो बैच चलते हैं, सेवन के भी दो बैच है, एट्थ के भी दो बैच है, आप टाइमिंग पता कीजिए। और सिक्स सेवन एट्थ वाले बच्चों के लिए भी सेम यही पैटर्न हमने रखा हुआ है, बस अंतर ये आ जाता है कि यहाँ पर को हम हैंड रिटन नहीं देते हैं, यहाँ पर को हम प्रिंटेड नोट्स इनको देते हैं। देखिए ये सारे प्रिंटेड नोट्स हैं हमारे, जो हमारे सिक्स सेवन एट्थ वाले बच्चों को मिले जाएंगे, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो SST के हों या साइंस के हों। इसके अलावा जो हमारी बुक है, हम लोग ये फॉलो करते हैं, RD शर्मा करके बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, टेंथ तक बच्चे फॉलो करते हैं, इवन ट्वेल्थ में भी फॉलो करते हैं बच्चे, है ना। इसके अलावा देखिए ये बुक है, एस चंद की बुक है, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी के अलावा, एनसीईआरटी तो हम कवर करेंगे बट साथ में ये किताबें भी हम लोग कवर करते हैं। ऐसी सोशल स्टडी की बुक है, देखिए है ना, एनसीईआरटी के अलावा, एनसीईआरटी होगी उसके अलावा भी बुक्स हैं, ऐसी अरियंत की बुक्स हैं, ये जो हम फॉलो कर रहे हैं बच्चों के लिए, है ना। सेम वे में ऐसी एट्थ क्लास के लिए भी RD शर्मा है, है ना। और जहाँ पर को जो क्लास एट्थ सेवन सिक्स यहाँ पर के टीचर्स अलग हैं, हमारे फाउंडेशन में टीचर्स अलग हैं, तो ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन था हमारा। तो आपको जब भी आप आते हैं, जब भी आपका बच्चा आता है, तो उसको एक ट्रायल क्लास डेमो पीरियड दिया जाता है, आप लोग उस डेमो पीरियड को लीजिए और एक फ्यूचर को क्रिएट करिए बच्चों का। और ये जो फ्यूचर आप क्रिएट करेंगे ये रहेगा अंटिल वो एक JEE नीट या कोई IIT NDA एग्जाम तक पहुँच ना पाए। नमस्कार सभी को, आप हम पे ट्रस्ट शो कीजिए और हम आपका ट्रस्ट ज़रूर 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 कामयाब करेंगे, आपके ट्रस्ट पे हम खरे उतरेंगे। नमस्कार।